हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर किसी भी ऐप पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अगर आपके मल्टीपल उसके विंडोज़ खुल जाती हैं तो इसको आप कैसे फिक्स करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मेरे में ये विजुअल स्टूडियो कोड दिया है, आप में कोई भी ऐप हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर उसके मल्टीपल विंडोज़ खुल जा रहे हैं तो इसको आप बड़े ही आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मेरे में तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप में है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे वो कोई फोल्डर खोलते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं ये द पी सी खोल रहा हूँ। द पी सी खोलने के बाद अगर मैं विंडोज़ सी में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ विंडोज़ पर गया, विंडोज़ पर जाने के बाद किसी दूसरे फोल्डर पर क्लिक कर लिया, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे कई सारे यहाँ पर फोल्डर खुल चुके हैं। अगर दोस्तों ऐसा इशू आपके साथ भी आ रहा है कि आप किसी एक ही फोल्डर के अंदर बाकी फोल्डरों को खोलना चाहते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कई सारे अलग अलग विंडोज़ खुल गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही विंडोज़ के अंदर आपके सारे फाइलें खुले, तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके के इशू को फिक्स करना बताऊँगा। सबसे पहले दोनों इशू एक ही प्रकार की सेटिंग से सही हो सकती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ फ्रंट पे अगर आपको वो इश्यू आ रहा है कि ऐप पे आपको क्लिक करने के बाद ढेर सारी विंडोज़ खुल जा रही है, या फोल्डर पे दोस्तों आपको दिक्कत आ रही है कि आप फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं और उसके मल्टीपल खुल जा रहे हैं, तो दोनों तरह की इशू एक ही तरीके से ठीक हो सकती है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ये इशू कैसे ठीक होगी। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सर्च बार में आना होगा और यहाँ टाइप करना पड़ेगा द पी सी। ये देखिए दोस्तों द पी सी भी ऑप्शन आएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे द पी सी आ गया है, आप इसके ऊपर चल जाइए। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर पे आना है, फाइल पर, फाइल पर आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखेंगे नीचे ये एक ऑप्शन है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये छोटा सा एक विंडो खुल जाएगा, यहाँ पर आना है आपको। आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्लिक होगा ओपन ईच फोल्डर इन ओन्स विंडो। अगर दोस्तों आप अगर आपका यहाँ पर क्लिक है तो इस पर क्लिक होने के कारण ही यह प्रॉब्लम आपको आती है, तो इसको दोस्तों आपको चेंज करके इसके ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आप अपना एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करूँगा। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी फ़िक्स हो जाएगी। दोस्तों एक आप काम और भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आपका ये इशू फिक्स नहीं हुआ तो आप सेम प्रोसेस फिर से अपनाइए, लेकिन उस प्रोसेस में आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। यहाँ पर सर्चिंग बार में आइए और यहाँ पर लिखिए द पी सी, द पी सी। रुकिए दोस्तों, मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों द पी सी आ गया। द पी सी में आने के बाद आपको फिर से फाइल में ही जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको फिर से चेंज फोल्डर एंड स्क्रीन ऑप्शन, इसके ऊपर जाना है। अब दोस्तों ये विंडो फिर से खुल गई। अब आप इसको यहाँ से रीस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ओके पे कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों एक बार अपने सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों रीस्टार्ट करने के बाद आपके सिस्टम में जो दोनों प्रकार की प्रॉब्लम थी, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड या कोई अन्य ऐप आपके मल्टीपल खुल जा रहे हैं, या फोल्डर दोस्तों आपके मल्टीपल टाइम्स खुल जा रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम दोस्तों आपकी फिक्स हो जाएगी। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।